हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे बिटसेट 2023 की जो हमने स्पीड बूस्टर ट्रिक सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी, उसमें आपका एपिसोड वन में काफी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे उनकी काफी ज्यादा डिमांड थी कि जल्द से जल्द जो है सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपका जो जेई मेंस के अटेम्प्ट तक है हम रेगुलर बेसिस पे लेके आए, और उसके बाद तो और ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। तो ये सीरीज आपके बिटसेट 2023 के दोनों ही अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। और वीडियो को जो है स्टार्ट करने से पहले जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि बिटसेट 2023 के लिए मॉक टेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक ऐसे रेलिवेंट मॉक टेस्ट को ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको पता चले जो कि सिमिलर लेवल पे आपको दिखे बिटसेट के, तो आपको जरूर से जो है हमारी सीरीज को चेक करना चाहिए, क्योंकि इसे प्रिपेयर किया है टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिटसीएन ने। तो हमें जो है पता है कि लेवल आपका किस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरा जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बात कर रहा था, तो ये होता है आपका निमोनिक्स का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब कि ये आपके लिए बेस्ट टूल है चीजों को याद रखने का। और निमोनिक्स आप वैसे करते हुए आते ही है, जैसे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको ग्रुप के नाम याद रखना है तो आप कैसे याद रख लेते हैं, जैसे कि हलीना का रफ का स्वर ऐसे लोग बना लेते हैं, या फिर ये भी बोलते हैं हलीना ने की रफ से फरियाद, तो इस तरीके से जो है आप याद रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो निमोनिक वाली टेक्निक है ना, ये आपको दूसरे चीजों में भी काम आ जाती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो हमें फ्लेम टेस्ट के कलर याद रखने रहते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके जो है जैसे कि पूछे जाते हैं यहाँ पे जेई मेंस 2023 के, अभी 25 जनवरी शिफ्ट वन में ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपको जो है ये लिस्ट मैच करनी थी। तो जिसको भी वो एनसीईआरटी की टेबल पता थी वो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, लेकिन जिसको नहीं पता थी उसको यहाँ पे जो है निमोनिक्स के थ्रू याद रखना चाहिए था, ताकि वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि अलग अलग कलर है सभी के और हमें जो है एग्जैक्टली याद नहीं रहता। तो यहाँ पे वो निमोनिक जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए लिथियम के लिए क्रिम्सन रेड कलर जो है वो हमें फ्लेम टेस्ट में देखने को मिलता है, सोडियम के लिए येलो, पोटेशियम के लिए वायलेट, फिर आरबी के लिए जो है रेड वायलेट, सीएस के लिए हमें ब्लू, इस तरीके से आपके सारे यहाँ पे देखे रखे। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये यहां तक जो है आपका क्या हो गया ग्रुप वन। तो एक निमोनिक जो है हम ग्रुप वन के लिए बना लेते हैं, वो है हमारा क्राई वीरे बोलो। ठीक है, क्राई वीरे बोलो। तो इसमें जो है आपका सी आर स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे क्रिम्सन रेड के लिए, वाई स्टैंड हो जाएगा आपका येलो के लिए, वीरे में जो वी है वो आपके लिए वायलेट के लिए। तो एग्जैक्टली मैच नहीं करना चाहिए हमें, अगर एक एक जो है लेटर भी याद रह गए ना फर्स्ट वाले, तो हम खुद ही वहां पे जो है डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें ये ऑर्डर तो पता है ग्रुप का, और ये वाला निमोनिक याद रह गया तो आप खुद ही लिख सकते हैं हाँ लिथियम का जो है वो क्रिम्सन रेड रहेगा, सोडियम का जो है वो येलो रहेगा, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आर ई जो है आपका ये रेड वायलेट के लिए स्टैंड हो गया, और बी एल जो है वो आपका ब्लू के लिए स्टैंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रुप वन के लिए कर लिया। ग्रुप टू का अगर हमें याद रखना है तो उसके लिए भी आप ऐसा बना सकते हो ब्रिक, और ब्रिक हम जानते हैं कि वो ज्यादातर आपकी रेड कलर की होती है, तो ब्रिक में जो है क्रैक आ गया इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। तो ब्रिक से पहला वाला ही जो है सीधा सीधा हो गया ब्रिक रेड, ठीक है, ये कैल्शियम का हो गया। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का अगर हम देखें तो ये क्रिम्सन रेड, तो ये जो है सी, अगर अपना अगला वाला देखे सी आर, तो ये क्रिम्सन के लिए स्टैंड हो जाएगा। फिर ए जो यहाँ पे आ रहा है ये एप्पल ग्रीन के लिए स्टैंड हो जाएगा, और आखिरी का ये जो सी है ये हमारा फिर से क्रिम्सन के लिए स्टैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें पहले पहले लेटर भी याद रह गए आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, और सही कलर जो है वो टिक करके आओगे। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपने नोटिस की होगी, ग्रुप टू में जो है आपका यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं दिया है। तो एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना बेरिलियम और मैग्नीशियम में, वो बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंड रहते हैं, स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, तो वो एक्साइट नहीं होते फ्लेम के द्वारा, इसलिए वो कोई कलर वहां पे आपको नहीं दे पाते। तो ये जो है सिंपल सा पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2023 का जो है आपका जेई मेंस में ही आया क्वेश्चन, यहाँ पे जो है हमें एलिमेंट के लिए देखना है। तो देखो इसी जो है ऑर्डर के हिसाब से आपने एक बार अपने निमोनिक के थ्रू लिख लिया तो फिर हम इजीली कर सकते हैं। पोटेशियम का आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम का आपका वायलेट हो जाएगा। तो ए का सेकंड जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला अगर हम देखें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का भी जो है हम यहाँ से देख लेंगे ब्रिक रेड हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट जो है दो ऑप्शन में ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया, या तो फर्स्ट है या तो थर्ड आंसर है। अगला अगर हम देखें स्ट्रॉन्शियम का, तो स्ट्रॉन्शियम का आपका क्या है क्रिम्सन रेड, तो क्रिम्सन रेड आपका कौन सा हो गया ये वाला, तो सी का क्या हो गया फोर्थ, बचा बस मतलब ऑप्शन थ्री, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कितने इजीली जो है आप कर सकते हो और कंफ्यूज कभी भी नहीं होगे, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके जेई मेंस में आए हैं, बिटसेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो आपकी दूसरी एग्जाम्स हो जाती है ना, जैसे कि कॉमेट के हो गई या फिर वीआईडी ट्रिपल ई, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए याद रखिएगा। अब फ्लेम टेस्ट के अगर अब जैसे यहाँ भी कलर दिए, अब इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि ग्रीन फ्लेम विथ ब्लू सेंटर वॉज ऑब्जर्व। ये चीज आपने यहाँ पे तो कहीं कलर में हमें अपनी दिख नहीं रही है, तो इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन्स मे बी प्रेजेंट। एक चीज हमें पता है कि स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम और ये जो हमारा बेरियम हो गया, ये वाले आपके सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है, और इनमें ये कलर तो नहीं आ रहा है कि ग्रीन के साथ जो है आपका ब्लू देखने को मिला, एप्पल ग्रीन देखने को मिला है पर ग्रीन के साथ जो है ब्लू नहीं देखने को मिला है। तो फिर ये तीनों जो है ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए ही फिर अपना सही आंसर होगा। तो बस इसी नॉलेज के बेसिस पे इसको भी जो है आप सही कर सकते थे। तो इस टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में बार बार ही पूछे गए हैं, जैसे कि 26 जून 2022 शिफ्ट टू में भी, एस ब्लॉक एलिमेंट विच कैन नॉट बी क्वालिटेटिवली कंफर्म बाय द फ्लेम टेस्ट। अभी अपन ने देखा बेरिलियम और जो अपना मैग्नेशियम होता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड रहते हैं, तो ये जो है शो नहीं करेगा, यानी कि यही हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन फोर सही आंसर होगा। तो एक जो ट्रिक है वो आपको कितने सारे टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करा सकती है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो और जो चीजें याद नहीं रह रही है, निमोनिक्स की हेल्प लो। मेटलर्जी में भी कई तरीके के ओर्स याद नहीं रहते, तो यहाँ पे एक छोटी सी जो है आपके लिए एक्टिविटी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे सल्फेट ओर्स जो है आपको दिए हुए है, तो ये जो है ना ओर्स हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे कैल्शियम का जो है जिप्सम होता है, मैग्नीशियम का यहाँ पे इप्सन सॉल्ट हो जाता है, बेरियम का जो है दे के रखा है, लेड का दे के रखा है। तो ये जो मेटल और इसके ओर्स है इसके लिए आपको निमोनिक फॉर्म करना है। तो एक जो है फटाफट से यहाँ पे आप निमोनिक लिखिएगा, ठीक है, और ट्राई करना है कि दोनों को इन्वॉल्व रखे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये ऑर्डर तो हमें ऑलरेडी याद रहता है, तो हमने इसको नहीं लिया निमोनिक में, लेकिन यहाँ पे आपको कैल्शियम के भी कोई जो है लेटर ले लेना है और जिप्सम का भी ले लेना है, इस तरीके से निमोनिक फॉर्म करना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखते हैं कौन ज्यादा क्रिएटिव है और एक प्रॉपर टाइप का निमोनिक फॉर्म कर पाता है, और वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेगा। एंड बाकी आप फॉर्मूले फिर याद रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है सारे सल्फेट ओर्स ही है। तो ये चीज जो है आपको हेल्प करेगी, और मेटलर्जी में जितने भी और दूसरे प्रकार के ओर्स हैं फिर जो है आप यही चीज उसमें भी दोहरा सकते हो। तो होपफुली ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही होगी, ट्राई करेंगे कि और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो ध्यान से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।